माँ ने फ्री फायर गेम खेलने से मना क्या किया तो 13 साल का बच्चा इतना नाराज हो गया कि वो घर से भाग गया, बैग में कपड़े भरे और साइकिल से निकल पड़ा और माँ का मोबाइल भी साथ ले गया। बच्चा 55 किलोमीटर साइकिल चलाकर उज्जैन से इंदौर पहुँच गया। जब पुलिस उस तक पहुँची तो बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे गेम डेवलपर बनना है, मम्मी ने गेम डिलीट कर दिया था। CSP विनोद मीणा ने बताया कि 8वीं क्लास का स्टूडेंट कैलाश एम्पायर कॉलोनी से लापता हो गया था। वहां घर से साइकिल से मेन रोड तक आने के लिए निकला जहां स्कूल बस आनी थी। पीछे पीछे माँ पैदल चलकर पहुंची। माँ जब मेन रोड तक पहुंची तो वहां बेटा नहीं दिखा। उन्होंने घर लौटकर देखा तो वहां भी नहीं मिला। उनका मोबाइल भी घर पर नहीं था। आसपास तलाश की तो कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नाके के CCTV फुटेज देखे जिस पर वो साइकिल से इंदौर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बच्चे की माँ के मोबाइल की लोकेशन ली और टीम रवाना की। पुलिस इंदौर की मरीमाता चौराहा से उसे खोज लाई। ये एक छोटा बच्चा था, 15 साल का, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये गेमिंग खेलता रहता था बार बार। तो जब ये घर से इसलिए भाग गया, ऐसा कहना था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो तत्काल इसको हमने पकड़ा। इसको हमने इंदौर से मरीमाता चौक से हमने इसको पकड़ा। पकड़ के हमने इसे पूछताछ करी, इसे जानना चाहा कि इसका मेंटल मेकअप क्या था। तब हमको पता चला कि ये थोड़ा सोशल मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मैक्सिमम टाइम उसका ऑनलाइन जाता था, या तो वीडियोस देखता था या फिर गेमिंग खेलता था। तो फिर हमने फिर इसके परिजनों को बुला के उनके सपोर्ट कराया इसको। इसके बाद फिर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर इसको भेजा ताकि वहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से काउंसलिंग की जा सके। तो हमने इसको काउंसलिंग के लिए वहाँ पे भेज दी। फिर इसके पास थी तो घर ना जाके चला गया था। जो कुछ समय तक नहीं पहुँचा वहाँ पे तो इसकी मम्मी ने ढूंढा इसको, तो ये आया नहीं था। तब इसकी मम्मी ने थाने पे रिपोर्ट करवाई, तब हमने तत्काल इसको जाँच की और सर्च ली। बच्चे ने पुलिस को बताया कि माँ ने मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर डांटा और गेम डिलीट करा दिया था, तो गुस्सा होकर स्कूल बैग में अपने कपड़े और माँ का मोबाइल रख साइकिल से निकल गया। फिर जब पुलिस ने बच्चे को पकड़ा तो उसे समझाया कि वो जो भी बनना चाहता है वो 18 साल की उम्र के बाद करना। पुलिस कर्मियों ने उसकी साइकिल जीप में रखी, बालक को गाड़ी में बैठाकर उज्जैन लाए। इसके बाद परिजनों को बुलाकर उनका बच्चा उनके हवाले किया। उज्जैन से विशाल ठाकुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।